जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के रोड शो के अंदर कलकत्ता में जनसैलाब उमड़ा था, कलकत्ता का लगभग लगभग हर नागरिक रोड शो में था, 8 किलोमीटर तक कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं थी, सारा रोड 8 किलोमीटर का जनता से भरा हुआ था। उससे फ्रस्ट्रेट होकर ममता दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने रोड शो पर हमला किया है। मेरे रथ से 200 मीटर दूर से ही कोई मेडिकल कॉलेज था, वहीं से हमले की शुरुआत हुई, आगजनी करने वाले पदार्थ फेंके गए और स्टैम्पेड कराने का प्रयास किया गया। मगर मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, इसके बाद भी 1.5 घंटे तक रोड शो चलता रहा और रोड शो अपनी जगह पर समाप्त होने की जगह पर जाकर समाप्त हुआ। ये जिस प्रकार की हिंसा ममता बनर्जी की पार्टी यहां पर कर रही है, मैं उसकी निंदा करता हूं और बंगाल की जनता को अपील करता हूं कि अंतिम चरण का जो चुनाव है उसमें हिंसा का जवाब शांति से दे, मतदान से दे और बंगाल में हमेशा के लिए हिंसा की राजनीति को बंद करने के लिए तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से एक बार परास्त करना जरूरी है। 6 चरण के अंदर भी देश भर में कहीं हिंसा नहीं हुई, केवल और केवल बंगाल के अंदर हिंसा होती है। तो मैं बंगाल की जनता को यही पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो सब जगह चुनाव लड़ रही है, कहीं हिंसा नहीं होती, यहां पर सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे और यहां हिंसा हो रही है। यह साबित करता है कि तृणमूल कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा नहीं करती है, लोकतंत्र का गला घोंटने का काम कर रही है। जिस तरह से पंचायत चुनाव में 60 पॉलिटिकल एक्टिविस्टों की हत्या हुई थी, उसी तरह से बंगाल के लोकसभा के चुनाव को भी वो प्रभावित करना चाहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है बंगाल की जनता के सूझबूझ पर, शांति के ऊपर उनके भरोसे पर कि बंगाल की जनता अंतिम चरण में भारी मतदान कर तृणमूल के गुंडों का सामना कर एक सकारात्मक संदेश लोकतंत्र के बारे में भेजेगी। मैं चुनाव आयोग को भी अपील करना चाहता हूं, पूरे देश भर के अंदर जितने हिस्ट्री सीटर और भगोड़े हैं उनको पकड़ा जा रहा है, चुनाव आयोग बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के प्रति आंख मूंद कर बैठा है। कम से कम अब चुनाव आयोग को अपनी प्रतिष्ठा बचानी है तो 7वें चरण के अंदर जितने भी गुंडे घूम रहे हैं उनको उन्होंने अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट करने के लिए हुक्म करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि जब चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी चुनाव आयोग के हुक्मों को, उनकी सूचनाओं को नहीं मानते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया गया है। मैं मानता हूं चुनाव आयोग ने कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए और 7वें चरण में कम से कम न्यायपूर्ण मतदान हो इसकी चिंता करनी चाहिए।